जैन फ्रेंड्स मैक्स कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एन सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स ए में वेलकम है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे उन कैडेट्स के लिए जिनकी इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम होने वाले हैं चाहे वो एनसी के भी हो चाहे ए सर्टिफिकेट का हो चाहे बी सर्टिफिकेट का हो चाहे सी सर्टिफिकेट का हो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जनरल मतलब कि डिफेंस से क्वेश्चन आई जाते हैं चाहे आपको चीफ के बारे में पूछ ले चाहे नेवी एयरफोर्स रिलेटेड आ जाए चाहे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आई जाता है फ्रेंड्स तो आपको पता होना चाहिए तो आइए फ्रेंड्स आज की शुरुआत करते हैं एक नायरथोट्स के साथ आज का हमारा नायरथोट्स है नेवर गिव अप कभी जीवन में हार मत मानो हमेशा जिस कार्य को आप कर रहे हो कंटिन्यू करते रहिए और एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला हमारे सामने कौन है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इमेज जनरल मनोज मुकुंद कौन है फ्रेंड्स ये इकतीस दिसंबर दो को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ठीक है इंडिया के उसका फ्रेंड्स ये देखिए राकेश कुमार भदोड़िया ये कौन है फ्रेंड्स एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार भदोड़िया और ये फ्रेंड्स कौन है चीफ ऑफ एयर स्टाफ 30 सितंबर 2019 को बने हैं उसके बाद एडमिरल माइकल एम गिल्डे कौन है फ्रेंड्स एडमिरल माइकल एम गिल्डे कौन है फ्रेंड्स चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन ठीक है ये ने, इंडियन नेवी के हेड हैं उसके बाद फ्रेंड्स देखे सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जनरल बिपिन रावत है फ्रेंड्स और ये कब एक नवंबर दो हजार 2018 को बने हैं उसका फ्रेंड हैं फ्रेंड्स ए पी माहेश्वरी कौन है फ्रेंड्स ये सीआईएसएफ के हेड है और ये कब मतलब कि कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, है? दिल्ली में उसके बाद क्या करते तो सुबोध कुमार जायसवाल कौन है ये फ्रेंड्स आपके सी आई के हुए हैं क्या नाम है ट्वेंटी एट डायरेक्टर जनरल बने आठ जनवरी दो हज़ार इक्कीस को हाल ही में बने उसके बाद कौन है फ्रेंड्स सुजीत सिंह देसवाल ये फ्रेंड्स एन एस जी के वो डी जी हैं ठीक है ठीके? और इनका एमएचए का मतलब होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं जो एन एस जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उसके डी जी है उसका फ्रेंड्स ये देखिए अगला ये फ्रेंड्स अगला तरुण तरुण कुमार एच ये कौन है फ्रेंड्स एन के क्या है डी जी डायरेक्टर जनरल ऑफ वो है जो पूरे भारत में ऑल ओवर वो करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच डायरेक्टर जनरल है एन सी कैडेट कोर क्या हमें याद रखिएगा अगर क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कृष्ण कृष्ण स्वामी नैतिकता कौन है फ्रेंड्स ये आपके कोस्ट गार्ड के हेड हैं डी ऑफ कोस्ट गार्ड उसके बाद सत्यनारायण प्रधान ये फ्रेंड्स कौन है उन्नीस सौ के कैडेट कोर के आई ऑफिसर हैं और इन्हें फ्रेंड्स एन का हेड बनाया गया है फिर अरुण कुमार फ्रेंड्स देखिए ये एक आई ऑफिसर है और इन्हें क्या बनाया गया फ्रेंड्स ये आर का हेड बनाया गया अरुण कुमार को उसका फ्रेंड अब कोस्ट गार्ड के रीजन देखिए फ्रेंड्स इनके कमांड देखिए वेस्टर्न रीजन कमांड है और ये कहाँ पड़ता है मुंबई पड़ता है ईस्टर्न रीजन कमांड कहाँ पड़ता है चेन्नई पड़ता है नॉर्थन ईस्ट रीजन कहाँ पड़ता है कैलकाटा पड़ता है अंडमान निकोबार रीजन कहाँ पड़ता है पोर्ट ब्लेयर पड़ता है नॉर्थ वेस्ट रीजन कहाँ पड़ता है गांधीनगर पड़ता है कोस्ट गार्ड का उसका फ्रेंड देखिए कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स के कमांड देखिए वेस्टर्न वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ दिल्ली है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कहाँ गांधीनगर सेंट्रल एयर कमांड कहाँ इलाहाबाद उसके बाद ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है शिलोंग साउथर्न एयर कमांड त्रिवेंद्रपुरम उसके बाद ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड नागपुर किसका फ्रेंड्स ये एयरफोर्स का है, 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 है उसका फ्रेंड्स uh, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है वो फ्रेंड्स आपका ये uh, इंडियन आर्मी का फ्रेंड्स कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी तो वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर ईस्टर्न कमांड कैलकाटा नॉर्थन कमांड उधमपुर साउथर्न कमांड पुणे सेंट्रल कमांड लखनऊ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला और साउथर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर तो फ्रेंड्स आई होप के ने कुछ लर्न किया होगा प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत